वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो शुरू करन तो पहला आप जी दे चरणा दे विच बेनती है कि जेकर अज की ये वीडियो तुहाडे तक पहुँच गई है, तुसी सुननी शुरू कर दिती है, तो फिर इसनों पूरा जरूर सुनियो जी, क्योंकि जो आप अद्धी अधूरी गल सुनते हैं तो गल की पूरी समझ ही नहीं आती भी की समझाउण की कोशिश की आ। कई बार आपने काम की गल विचों मिस कर जाने, इस करके वीडियो नू पूरा जरूर सुनियो जी। जेकर अज की ये वीडियो तुहानू चंगी लगी तो फिर इसनू लाइक ते शेयर कर देना, नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार जां फिर वाहिगुरु जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, आपां कई वार सूझवान विद्वाना दे संत महापुरखां दे मूहों यह गल सुनी आ भी जदों भी सानू अपने आप दे विच ये चार बदलाव नज़र आने शुरू हो जाण तां सानू समझ जाना चाहीदा है भी हुण साडे उत्ते चंगे समय की शुरुआत होने वाली आ, साडे दिन बदलन वाले आ। जां कई कह दिंदे आ भी ये चार बदलाव दिसन जां चार संकेत दिसन तां समझो ये चंगी किस्मत दीआं निशानियां ने। तां फिर ये चार संकेत किहड़े ने? हो सकदा है तुसीं इन्हां चार संकेतां बारे पहलां भी सुनिया होवे, पर ये चार संकेत जां ये चार बदलाव साडी जिंदगी दे विच बदलाव किंज करदे आ ये बहुत घट लोगों नूं पता होवेगा। तां अज दी वीडियो दे विच आपां नाले तां ये चार संकेत जां चार बदलाव बारे गल करनी आ, नाल नाल ये भी गल करांगे भी जदों भी ये संकेत सानू अपनी जिंदगी दे विच दिसदे आ जां सानू अपनी जिंदगी दे विच ये बदलाव दिसदे आ तां फिर साडी जिंदगी किंज बदलदी आ। तां पहला बदलाव किहड़ा है? जदों सानू लगे कि साडा मन हर वेले खुश खुश रहिंदा है। कोई भी मनुख जदों हर वेले खुश खुश रहना लगे, उदा मन हर वेले खिड़िया रवे, तो उन्हूं समझ जाना चाहिदा है कि हुण उहदे दिन बदलन वाले आ, उहदे उत्ते चंगे समय की शुरुआत होण वाली आ। इंज क्यों कहा जांदा? क्योंकि कोई भी काम आपां करदे आ ना, उहदे विच साडे तन अते मन दोवां दा ही योगदान हुंदा है। तन अते मन की सहायता तो बिना आपां किसी भी काम नूं पूरा नहीं कर सकते। अते नाल नाल ये भी सच है भी तन अते मन दोवें आपस दे विच बज्जे हुए आ। इन्हां दे विचों जेकर एक भी बीमार होवे तां दूजा काम नहीं करदा। जिवें मन लो कि साडे मन दे उत्ते किसे प्रकार की कोई चिंता है, कोई बोझ आ, साडा मन उदास आ, तां फिर साडा शरीर भी काम नहीं करदा। पर जेकर साडा मन खुश आ, साडा मन पूरे खेड़े दे विच आ, तां फिर शरीर बीमार भी होवेगा ना तां वी साडे मन ने साडे शरीर तो काम करवा लेना है। तां मन की तंदुरुस्ती मन की मजबूती बहुत जरूरी आ। जेकर आपां अपने जिंदगी दे विच अपने कम्मां कारां दे विच सफल होना चाहुंदे आ, क्योंकि जो भी कम्म कार आ भावें उह कम्म कार करदे ने जो भैणां बीबियां करदियां ने, भावें उह कम्म कार बाहर दे ने, भावें दुकान दफ्तर जो भी कम्म धंधे आ ना, ये सारे ही तन अते मन की सहायता दे नाल कीते जांदे आ। तां तन अते मन दोवें ही तंदुरुस्त नरोए होने बहुत जरूरी है। जिन्ना ही साडा मन खुश रहेगा खिड़िया रहेगा उन्ना ही साडा शरीर तंदुरुस्त होगा, असी बीमारियों तो बचे रहेंगे। पर जेकर साडा मन हर वेले उदास रहिंदा है, साडे मन दे विच एक काली जी पई रहिंदी आ, मन बुझिया बुझिया रहिंदा, तां इहदा पूरा प्रभाव साडे शरीर ते भी पैणा है। साडे शरीर नूं भी इहदे करके कई बीमारियां लग जाणियां ने। कई बार शरीर चंगा भला हुंदिया होया भी अपने आप नूं थक्किया थक्किया कमजोर महसूस करता है जदों उहदा मन उदास होवे। तां इस करके जेकर साडा मन सानूं खुश खुश लग रिहा है ना, इहदा मतलब भी मन दी खुशी दा प्रभाव साडे तन ते भी पैणा है। मन खुश शरीर तंदुरुस्त होवे तां फिर सारे काम अग्गे लग के भज पैंदे आ, उहनां कम्मां दे विच सफलता मिलनी तय हो जांदी आ। तां इस करके कहा जांदा भी जदों मन खुश होवे ना समझो भी साडे चंगे समय दे संकेत आ। उस तो बाद दूसरे संकेत जां दूसरे बदलाव की गल की जाती है कि जदों भी किसी मनुख नूं अमृत वेले दे विच जाग आवे, भाव कि जदों भी कोई मनुख सवेरे सवेर जल्दी उठना शुरू कर दे तां समझो उहदे भाग उहदी किस्मत बदलन वाली आ।
इंज क्यों कहा जाता? क्योंकि एक उद्यमी मेहनती मनुख ही सवेरे जल्दी उठ पाउंदा है। उद्यम तो बिना कदे भी आपां अपना अपनी नींद नूं त्याग के अपना बिस्तर नहीं छड सकदे, क्योंकि अमृत वेले दी नींद बहुत प्यारी हुंदी आ। अमृत वेले दी नींद नूं त्यागना समझ लो कोई जंग जित लई, कोई युद्ध जित लिया। तो जेकर कोई मनुख सवेरे अमृत वेले उठ रहा है, सवेरे जल्दी उठ रहा है, समझो कि उन्हें अपनी जिंदगी दी एक जंग जित ली आ। तो जे ये जंग जित ली तो बाकी जितनिया बहुत आसान हो जांदियां ने। सवेरे उठन वाले मनुख दे कोल दूजियां दे नालों समा भी ज़्यादा हुंदा है, वो अपने सारे कम्मां नूं सही समय ते सही तरीके दे नाल कर पाउंदा है। उहदे मन दे विच कालापन नहीं रहिंदा, उहदे मन दा गुस्सा हौली हौली खत्म होना शुरू हो जांदा, क्योंकि साडे मन दा गुस्सा तां वधदा है जदों आपां अपने कम्मां कारां दे विच लेट हुंने आ। अपने कम्मां नूं लैके साडे मन दे विच कालापन वधदा है, साडे मन अंदर चिड़चिड़ापन आउंदा है। तां फिर इह सारियां समस्यां तों छुटकारा मिल जाएगा जदों आपां सवेरे सवेर जल्दी उठना शुरू कर दिता। जल्दी उठांगे, उठ के वाहिगुरू जी का नाम लवांगे, बाकी सारे अते अपने जो भी काम धंदे ने उहनां नूं समें सिर करांगे, तां फिर इह अमृत वेला साडी जिंदगी दे विच चमत्कार वांग काम करेगा। उस तो बाद या तीसरा संकेत या तीसरा बदलाव कि जदों भी किसी मनुख के मन दे विच तरस की दया की भावना आनी शुरू हो जाए, भाव कि किसी दुखी बंदे नूं देख के किसी का मन दुखे, तो समझो उहदे उत्ते चंगा समा आएगा ही आएगा। क्योंकि इस बंदे दे मन दे विच तरस की दया की भावना है ना, वह कदी भी किसी का माड़ा नहीं सोच सकता, कदे भी किसी का माड़ा नहीं कर सकता। यही साढ़े चंगे समय की सब तो वड्डी शर्त आ भी जो भी असीं दूजियां दे लई करदे आ, दूजियां दे लई करना चाहुंदे आ जां सोचदे आ ना, उही साढ़े नाल हुंदा है। तो जे असीं दूजियां दे लई चंगा सोचांगे तो फिर साडा चंगा होना तो तय हो जाएगा ना, भाव कि चंगे कर्म ही बंदे की किस्मत नूं चंगा बनाउंदे ने। उस तो बाद आ चौथा बदलाव जां चौथा संकेत कि जदों भी साडा मन गुरु दे नाल गुरबाणी दे नाल जुड़ना शुरू हो जाए, जदों साडे मन दे विच गुरबाणी पढ़न दा चाह होवे, गुरु करे जाण दा चाह होवे, गुरु घर दे विच जाके सेवा करन दा चाह आ जावे ना, समझो साडी जिंदगी दे विच बदलाव आवेगा ही आवेगा। अते ओह बदलाव साडी जिंदगी दा सब तो चंगा बदलाव होवेगा, क्योंकि बंदगी, क्योंकि साडा जपिया होया नाम, साडी कीती हुई बंदगी, कीती हुई सेवा साडे माड़े कर्म माड़े लेख भी बदल सकदी आ। तां फिर जदों आपां अपने सतगुरु सच्चे पातशाह दे सच्चे नाम दे नाल जुड़दे आं, गुरबाणी दा पाठ करना शुरू करदे आं, गुरु दा ज्ञान लैंदे आं, फिर सानू चंगे माड़े का पता लगता है, फिर कदे भी साढ़े पैर गलत राह वाल नहीं तुरते, फिर साढ़े उत्ते हमेशा सतगुरु सच्चे पातशाह मेहरबान रहिंदे आ। तां इह चार बदलाव जदों भी साढ़ी जिंदगी दे विच आ जाण ना, समझो हुण साढ़ी तन मन दोवां दी गरीबी कट्टी जाएगी। सिर्फ तन दी ही नहीं, तन अते मन दी भी गरीबी कट्टी जांदी है जदों साडा मन गुरु चरणां दे नाल जुड़दा है। तां जेकर अज दी इह वीडियो तुहानू चंगी लगी है तां फिर इस नूं लाइक अते शेयर कर देना। अते इत्थे नाल नाल इक गल ये भी कहना चाहवांगे कि जेकर ये चार बदलाव साडे विच आ गए ने तां असीं वड्डे कर्मां वाले वड्डे भागां वाले आ, पर जेकर ये चार बदलाव साडे विच अजे तक नहीं आए तां रोज़ रोज़ अपने गुरु दे अगे अरदासां बेनतियां तरले करने आ वी सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते भी कृपा करो, साडा भी मन गुरु चरणां दे नाल जुड़े, सानू भी गुरबाणी पढ़न दा चाह होवे, सानू भी गुरु करे जाण दा चाह होवे, असीं जाके मन ला के चाह नाल सेवा करिए, इह दात मंग लईए ना, तां इह दात मिलण करके बाकी सारियां दातां साडी झोली दे विच पै जाणगियां, साडा मन भी खुश रहेगा, साडा मन दूजियां दे दुख नूं देख के साडे मन विच तरस दया दी भावना भी रहेगी, साडे मन दे विच अपने आप सरबत दे भले दी भावना आवेगी। तां फिर आओ रोज़ रोज़ गुरु अगे अरदासां बेनतियां तरले करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।